17 नवंबर 2018 आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें करीब 5 साल पहले की हैं, जब 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, जो मेहमान बनकर शामिल हुए थे। मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा। शपथ समारोह के ठीक एक महीने बाद ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति सोलेह अपने पहले औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारत आए थे। जून 2019 में पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो पूर्व राष्ट्रपति सोलेह ने उनका गले लगाकर स्वागत किया था। सोलेह जब तक मालदीव की सत्ता में रहे तब तक भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में गर्मजोशी देखी जाती रही। भारत और मालदीव के संबंध इतने मजबूत रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करते थे। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। लेकिन मोहम्मद मोइज्जू के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई है। रविवार देर रात मोहम्मद मोइज्जू अपनी पत्नी के साथ एक हफ्ते के लिए चीन रवाना हो गए, जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले वो तुर्की के दौरे पर गए थे। और ये है मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, जो चीन के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद मोइज्जू इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए थे। दरअसल मोइज्जू ने मालदीव में कथित भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव की नई सरकार को लगता है कि उनके देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मोइज्जू के इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन का हाथ था और कैंपेन की फंडिंग के लिए चीन ने बाकायदा मदद भी की थी। मालदीव के राष्ट्रपति उन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी, पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में वो डिविजन क्रिएट कर रहे हैं। जी, पिछले एक दशक से मालदीव को आर्थिक मदद दे रहा है। चीन का मकसद इस रिश्ते को रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाकर भारत को घेरने का है, क्योंकि मालदीव के जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू इस कदर चीन के मुरीद हैं कि वो खुलकर चीन के विकास कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं। सच्चाई यह है कि मालदीव चीन के गहरे कर्ज में दबा हुआ है। मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज की किश्त चुकाने में ही खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है, जो उसका 20% है बाहरी ऋणों के हिसाब से। सो कंपैरिजन आप करिए, एक तरफ से चाइना उनको बार बार नकेल दे रहा है कि आपने 1.2 बिलियन डॉलर हमको देने हैं, दूसरी तरफ से भारत कहते हैं हम तो 1 बिलियन डॉलर टूरिज्म हमारे जो यात्री हैं वो हर साल स्पेंड करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। तो असर तब पड़ेगा अगर मालदीव्स की नियत ऐसी ही रही, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे और उनके एक्शंस ऐसे रहे।